हेलो एवरीवन दिस इज़ अदिति पांडे वेलकम टू आई पॉइंट आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं करंट अफेयर से रिलेटेड एक टॉपिक के बारे में चंद्र विज्ञान कार्यशाला 2021 तो ये जानते हैं कि आखिर चर्चा में क्यों हैं और इसके कारण क्या हैं और इत्यादि जानकारियाँ ये आपके प्रिलम्स तथा मेंस दोनों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है जैसे चंद्रयान टू कहाँ से लॉन्च हुआ था इत्यादि ये सारी जानकारियाँ आपके प्रीलिम्स के लिए ज़रूरी हैं और मेंस में ऐसे राइटिंग अगर आपको करनी है तो आप इन चीज़ों को कोट कर सकते हैं लाइनिंग करके हेड करके हाईलाइट करके अच्छे से अपने आंसर को और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं तो ये तो हो गई बात कि प्रश्न किस तरीके के आएंगे तो आइए अब जानते हैं कि आखिर चर्चा में क्यों हैं हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जिसे आप इसरो कहते हैं द्वारा चंद्रमा की कक्षा में चंद्रयान टू ऑर्बिटर के प्रचालन के दो वर्ष पूरे होने के अवसर पर चंद्र विज्ञान कार्यशाला 2021 का आयोजन किया गया था इसरो के अनुसार चंद्रयान टू कक्षीय यान नीत बहारो यानी कि ऑर्बिटर पेलॉड्स के अवलोकन से खोज श्रेणी यानी कि डिस्कवरी क्लास के परिणाम मिले हैं चंद्रयान थ्री जो मिशन है इसे अगले वर्ष के अंत में लॉन्च किए जाने की संभावनाएं व्यक्त की गई हैं एक्चुअली आपको पता ही है चंद्रयान टू लॉन्च हुआ था तो अब चंद्रयान थ्री को लॉन्च करने की संभावना बताई गई है कि हाँ हम इसे लॉन्च कर सकते हैं तो आइए कुछ प्रमुख बिंदु जानते हैं चंद्रयान टू के बारे में चंद्र अन्वेषण मिशन यह चंद्र अन्वेषण उपग्रहों की भारतीय श्रृंखला का दूसरा अंतरिक्षयान है चंद्रयान वन भेजा जा चुका था चंद्रयान टू भेजा गया था इसमें एक ऑर्बिटर और इसके लैंडर का नाम क्या था आप लोगों को पता है लैंडर का नाम था विक्रम क्या था लैंडर का नाम विक्रम तो इसे याद रखिएगा यही सारी जानकारियाँ प्रॉब्लम्स में पूछी जाती हैं लैंडर का नाम विक्रम था तथा चंद्रमा के दक्षिण ध्रुवीय क्षेत्र का पता लगाने के लिए प्रज्ञान नामक रोवर शामिल था आप इसे लिख सकते हैं कि रोवर का नाम क्या था प्रज्ञान और लैंडर का नाम क्या था विक्रम ठीक है लॉन्च कब हुआ था ये भी आप याद रखिएगा ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ट्वेंटी सेकेंड ऑफ जुलाई ट्वेंटी को जी एस एल वी एम के थर्ड द्वारा त्रिहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया था कहाँ से सतीश धवन ठीक है ये सारी जानकारियाँ इंपॉर्टेंट हैं आप चाहें तो किसी एक कॉपी बना लीजिए जिसमें आप इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन करके क्लास से रिलेटेड जो भी कुछ आप लिखना चाहें वो आप लिख सकते हैं ज़रूरी नहीं कोई बहुत अच्छी कॉपी हो कोई रफ पेज वाली कॉपी भी हो क्योंकि ज्ञान लेने से मतलब है ना तो आप उसे मार्क कर सकते हैं लिख सकते हैं ताकि आप उसे एक बार देख लें तो आपका काफ़ी कुछ रिवाइज हो जाए तो रोवर क्या था प्रज्ञान था कब लॉन्च हुआ था ट्वेंटी सेकेंड ऑफ जुलाई ट्वेंटी नाइनटीन को जी एस एल वी एम के थर्ड द्वारा श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया था और इसे ऑगस्ट ट्वेंटी नाइन्टीन में चंद्रमा की कक्षा में स्थापित किया गया था सितंबर 2019 में ऑर्बिटर और लैंडर मॉड्यूल को दो स्वतंत्र उपग्रहों के रूप में अलग किया गया लेकिन जो लैंडर था जैसे कि आप जानते हैं सफल नहीं हो पाया था विफल हो गया था विक्रम लैंडर इसरो द्वारा पूर्व निर्धारित योजना के अनुरूप ही उतर रहा था और सितंबर 2019 में चंद्रमा की सतह से 2.1 किलोमीटर की ऊंचाई तक सामान्य प्रदर्शित मतलब सामान्य रूप से ही वो कार्य कर रहा था परंतु उसके बाद उससे संपर्क टूट गया तथा लैंडर की हार्ड लैंडिंग चंद्रमा की सतह पर हुई अब इसका मतलब क्या होता है देखिए अगर आप कोई रिमोट कंट्रोल एरोप्लेन लेते हैं ठीक है और हमने कहा कि आप उसे ऊपर वाले बिल्डिंग पे अपने छत पे उसे लैंड करवाना है आपको ठीक है और हमने आपको रिमोट दे दिया अब आप ऊपर लेके गए दो तीन फुट की दूरी है और हमने आपसे रिमोट छीन लिया क्या वो खुद ही उतर जाएगा इतने देर में गलती से मान लीजिए रिमोट कहीं टूट गया गिर गया उसकी बैटरी खो गई कहीं तो फिर क्या होगा वो अपने आप अप गिर जाएगा ना तो एक हार्ड कोर होगा ना उसे चोट पहुंचेगी क्षति पहुंचेगी वो कार्य करना बंद कर देगा तो इसी तरीके से इसके साथ भी ये घटना हुई और ये जो मिशन था ये सफल नहीं हो पाया छह पहियों वाले रोवर प्रज्ञान को लैंडर विक्रम के अंदर स्थापित किया गया था तो आइए अब ये जानते हैं कि अगर एक सॉफ्ट लैंडिंग हो जाती तो क्या होता अगर एक सॉफ्ट लैंडिंग हो जाती तो भारत तत्कालीन सोवियत संघ संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बाद एक ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाता ऑर्बिटर की भूमिका चंद्रमा के चारों ओर अपनी निर्धारित कक्षा में ऑर्बिटर अपने आठ उन्नत वैज्ञानिक उपकरणों का उपयोग करके ध्रुवीय क्षेत्रों में चंद्रमा के विकास और खनिजों एवं पानी के अड़ुओं के मानचित्र को साझा करता है यानी ये फोटोस लेता है चित्र लेता है देखता है कि पानी है कि नहीं इधर कहीं। आठ उन्नत वैज्ञानिक उपकरण इसमें लगे होते हैं और ये ध्रुवीय क्षेत्रों में चंद्रमा के विकास और खनिजों इत्यादि के चित्रों को लेकर भेजता है सटीक प्रक्षेपण और अनुकूलित मिशन प्रबंधन ने नियोजित एक वर्ष के बजाय ऑर्बिटर के लिए लगभग सात वर्षों का लंबा प्रचालन सुनिश्चित किया है चंद्रयान टू द्वारा मतलब चंद्रयान टू ऑर्बिटर द्वारा की गई खोजें ऑर्गन फोर्टी की खोज मास स्पेक्ट्रोमीटर चंद्र एस ये आप लिख लीजिएगा यह आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है ऑर्गन फोर्टी की खोज हुई किसके द्वारा मास स्पेक्ट्रोमीटर चंद्र एटमॉस्फेरिक कंपोजिशनल एक्सप्लोर यानी कि चेंज टू ध्रुवीय दु। कक्षी प्लेटफॉर्म से चंद्र तटस्थ एक्सोस्फियर की संरचना का पहला सीटू अध्ययन किया इसने चंद्रमा के मध्य और उच्च अक्षांशों पर ऑर्गन फोर्टी की परिवर्तनशीलता का पता लगाया और उसका अध्ययन किया जो चंद्र के इंटीरियर के मध्य और उच्च अक्षांशों में रेडियोजेनिक गतिविधियों को दर्शाता है क्रोमियम व मैग्नीस की खोज भी चंद्रयान टू ने की चंद्रयान टू लॉर्ड्स ए... सॉरी चंद्रयान टू लार्ज एरिया सॉफ्ट एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर पैलोड ने रिमोट सेंसिंग के माध्यम से क्रोमियम और मैगनीज के मामूली तत्वों का पता लगाया है सूर्य के माइक्रोप्लेयर्स का भी अवलोकन क्वाइट सन पीरियड यानी कि क्वाइट सन पीरियड के दौरान सूर्य के क्वाइट सन पीरियड के दौरान सूर्य के प्लेयर का अवलोकन जो कि सूर्य की कोरोनल हीटिंग से संबंधित एक महत्वपूर्ण सूचना को प्रदान करता है सोलर एक्सरे मॉनिटर यानी कि एक्स एस एम पैलोड द्वारा संपन्न किया गया था हाइड्रेशन सुविधाओं की भी खोज इसी से हुई है चंद्रयान टू ने अपने इमेजिंग इन्फ्रा रेड स्पेक्ट्रोमीटर पैलोड जिसने कि चंद्र की, की सतह पर हाइड्रॉक्सिल और पानी बर्फ की स्पष्ट उपस्थिति का पता लगाया उसके साथ चंद्रमा की की जल योजन विशेषताओं की पहली बार भी स्पष्ट पता लगाया क्या कि उसमें जल योजन में क्या क्या विशेषताएं हैं इत्यादि उपसतह पर जल बर्फ की खोज दोहरी आवृत्ति सिंथेटिक एपर्चर रडार यानी कि डी एफ एस आर उपकरण ने उपसतह जल बर्फ की उपस्थिति का पता लगाया और ध्रुवीय क्षेत्रों में चंद्र रूपात्मक विशेषताओं की उच्च रिजोल्यूशन की मैपिंग भी की थी चंद्रमा की इमेजिंग अपने ऑर्बिटर हाई रेजोल्यूशन कैमरा ओ के द्वारा बेस्ट एवर रिजोल्यूशन के साथ 100 किलोमीटर चंद्र कक्षा से चंद्रमा की इमेजिंग भी प्राप्त की भूवैज्ञानिक निष्कर्ष क्या है इससे चंद्रयान टू ने टेरन मैपिंग कैमरा टी एम टू जो कि वैश्विक स्तर पर चंद्रमा की इमेजिंग कर रहा है निचंद्र क्रिस्टल शॉटिंग और ज्वालामुखी की पहचान के दिलचस्प भूगार्भिक साक्ष्य भी प्राप्त किए हैं चंद्रमा के आयन मंडल का अध्ययन भी इन्होंने किया चंद्रयान टू के दोहरे आवृत्ति रेडियो विज्ञान टीएफएसआर एफ एस आर प्रयोग चंद्रमा के आयन मंडल के अध्ययन हेतु किया गया प्रदान पोर्टल भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान डेटा सेंटर द्वारा होस्ट किया जाता है जो इसरो मिशन के लिए डेटा संग्रह का एक नोडल केंद्र है अगर आपसे पूछा जाए कि जो प्रदान पोर्टल है ये क्या है तो आप कहेंगे ये एक विज्ञान डेटा सेंटर है जो कि भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान डेटा सेंटर के द्वारा होस्ट किया जाता है जो इसरो मिशन के लिए डेटा संग्रह का नोडल केंद्र है प्रदान और इसी के माध्यम से व्यापक सार्वजनिक उपयोग के लिए चंद्रमा टू के मिशन का डेटा भी जारी किया जा रहा है तो आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशंस समझ आई होंगी अच्छी लगी होंगी अगर कोई क्वेश्चन है चंद्रयान टू से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा